CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। पुस्तक के बारे में गुलजारे उर्दू भाग एक नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक है जो ध्वनि पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें कुल 19 पाठ हैं। पृष्ठों की कुल संख्या 57 है। प्रत्येक पाठ के साथ कवि परिचय दिया गया है, साथ ही मश्क यानी अभ्यास भी दिया गया है। सफा एक, हिस्साए अव्वल, गजलियात। सफा दो, तारुफे गजल। गजल अरबी का लफ्ज है। इसके मानी है महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। वो शायरी जिसे गजल कहते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर इश्किया बातें बयान की जाती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गजल में दूसरे मजामीन भी दाखिल होते गए हैं, और आज ये कहा जा सकता है कि गजल में तकरीबन हर तरह की बातें की जा सकती हैं। यही वजह है कि गजल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ सुखन है। गजल का हर शेर आम तौर पर अपने मफहूम के एतबार से मुकम्मल होता है। जिस तरह गजल में मजामीन की कैद नहीं है, उसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं। यूं तो गजल में अमूमन 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन बाज गजलों में ज्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर, काफिये और रदीफ में शायर एक से ज्यादा गजलें कह देता है। इसको 2 गजला, 6 गजला, 4 गजला कहा जाता है। सफा 3, किसी गजल के अगर तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हों तो उसे गजले मुसलसल कहते हैं, और अगर शायर गजल के अंदर किसी एक मजमून या तजर्बे को एक से ज्यादा अशार में बयान करे तो उसे किता, और ऐसे अशार को किताबंद कहते हैं। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफियां हों मतला कहलाता है। मतले के बाद वाला शेर जेबे मतला या हुस्ने मतला कहलाता है। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। इन्हें मतलाए सानी यानी दूसरा, मतलाए सालिस यानी तीसरा कहा जाता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। जिस गजल में रदीफ ना हो और सिर्फ काफिये हों उसको गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। सफा 4, अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का पहला पाठ। सैयद ख्वाजा मीर दर्द, तारुफे शायर। गजल गो शायर ख्वाजा मीर दर्द का तारुफ। सैयद ख्वाजा मीर दर्द, पैदाइश 1721, इंतकाल 1785। सैयद ख्वाजा मीर नाम दर्द तखल्लुस था। उनका सिलसिलाए नस्ब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। इसी निस्बत से दर्द को तसव्वुफ विरसे में मिला। उनके बुजुर्ग बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे। दर्द ने अपने वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब से तालीम हासिल की।
दर्द की तबीयत में सादगी और कनात पसंदी बहुत थी। यही वजह है कि दिल्ली की तबाही के ज़माने में, जबकि अक्सर शोरा दूसरी रियासतों का रुख कर रहे थे, दर्द ने दिल्ली से बाहर जाना गवारा ना किया और इसी शहर में जिंदगी गुजार दी। वो खुद्दार तबीयत के मालिक थे, उन्होंने किसी अमीर या बादशाह की मदा नहीं की। दर्द ने तसव्वुफ़ के बारीक नुकात को निहायत खूबी से अदा किया है। तशबीहात के बरमहल और नादिर इस्तेमाल ने अशार के हुस्न को निखार दिया है। आम तौर पर छोटी बहरों में उनकी गज़लें ज़्यादा रवां और पुर असर होती हैं। उनके छोटे से दीवान में अच्छे शेरों की तादाद खासी है। सूफियाना रंग के साथ साथ दर्द के यहाँ इश्किया शायरी के भी बहुत अच्छे नमूने मिलते हैं। सफ़ा 5। गज़ल गो शायर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल। अब पेश है ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल। तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, जिसलिए आए थे हम सो कर चले, जिसलिए आए थे हम सो कर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे दामन तर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले, किस तरफ से आए थे किधर चले। ख्वाजा मीर दर्द। मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। पहले शेर में तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले से शायर की क्या मुराद है? सवाल नंबर 2। शायर ने जिंदगी को तूफान क्यों कहा है? सवाल नंबर 3। चौथे शेर में शायर शमा के हवाले से क्या बात कहना चाहता है? सवाल नंबर 4। आखिरी शेर में जिंदगी की किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है? इसी के साथ ये सबक यहाँ खत्म होता है। पाठ 1 यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 2 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।